वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक टेक्निक। आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा, इसमें हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर कल के दिन में अगर आपको निफ्टी में कोई पोजीशन बनानी है तो आपको कौन से साइड पे पोजीशन बनानी चाहिए, इसके ऊपर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। 13 तारीख का ये हम एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी में कि आज के दिन में निफ्टी में जो फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का, ये फॉर्मेशन है डोजी फॉर्मेशन। डोजी मीन्स होता है इनडिसीजन। इनडिसीजन मीन्स क्या होता है कि ट्रेंड जो है निफ्टी का वो क्लियर नहीं है। जैसे कि निफ्टी ने ऊपर जाने की भी कोशिश की है यहाँ पे, जैसे कि निफ्टी यहाँ पे नीचे भी आया है, और जब क्लोज़ होते समय निफ्टी क्लोज़ हुआ है जहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ था 10,790 अराउंड, उसके आसपास ही निफ्टी 10,790 के आसपास ही क्लोज़ हुआ है। डोजी मीन्स होता है ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस। तो डोजी एक पावरफुल पैटर्न होता है कि इसके ऊपर ट्रेड कैसे किया जाता है, यही मैं आपको बताऊँगा अभी। कि अगर निफ्टी आने वाले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में आज का जो निफ्टी ने हाई बनाया है 10,840, इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो आपको सिंपली एक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनानी है। निफ्टी को आपको बाय करना है, उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ वो होगा अराउंड 10,750, जो इस डोजी कैंडल का लो है। ऊपर का अगर निफ्टी का टारगेट रहेगा, निफ्टी में अगर ऊपर टारगेट अगर आप देखना चाहते हो कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर का पहला टारगेट होगा वो 10,930 के। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट होगा, इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो हम और अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड निफ्टी जा सकता है 10,970। ये दो लेवल्स निफ्टी आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखा सकता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा 2 से 3 दिन के लिए। सिमिलरली निफ्टी अगर नीचे का ये लो, निफ्टी का अगर ब्रेक होता है 10,750 जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लो अगर ब्रेक होता है निफ्टी में, तो सिंपली आपको निफ्टी में शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 10,840 के ऊपर का। नीचे इसका जो टारगेट रहेगा निफ्टी का, वो पहला टारगेट होगा निफ्टी में अराउंड 10,680। ये निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट होगा। इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो निफ्टी में हम और डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं, वो अराउंड होगा 10,620। ये निफ्टी का सेकंड टारगेट होगा। यहाँ पे हम निफ्टी का सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, RSI, जहाँ पे आप देख रहे हो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये इंडिकेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। RSI मीन्स होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जो मार्केट में जो भी डिरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, अपवर्ड में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड में मूवमेंट हो रही है, तो RSI हमें स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है कि उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। जैसे ये आज का जो डोजी का फॉर्मेशन बना है, नीचे अगर इसका आप RSI देखना चाहोगे तो RSI अराउंड 55 के आसपास RSI वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये नीचे की तरफ इसका ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली ये RSI नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो जो डाउनसाइड मूवमेंट है उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, 10,840 ये लेवल ब्रेक होता है, तो ऑब्वियसली RSI में भी अपवर्ड में और ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है और प्राइस में भी अपवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो सिंपली आपको पोजीशन कैसे बनानी है, 10,840 के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 10,750 के नीचे, पहला टारगेट होगा 10,930, दूसरा टारगेट होगा 10,970। अगर आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी है आपको, तो आपको शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी है 10,750 के नीचे, उसका स्टॉप लॉस होगा 10,840 के ऊपर का, पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ 10,680, दूसरा टारगेट होगा निफ्टी का 10,630। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एनालिसिस हम आपके लिए आगे भी करते रहेंगे। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमें आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।